नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मेघा सुरोलिया पेश करती हूं अब तक की बड़ी खबरें। सबसे पहले खबर महानगर से। 21 करोड़ 90 लाख रुपए जो बरामद हुए हैं वो तो प्याज की ऊपरी परत है। दरअसल ईडी के वकीलों ने अदालत को बताया कि अर्पिता के घर से बरामद रुपए अभी प्याज की परत की तरह है। आगे देखिए होता है क्या। एसएससी घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी को रविवार को अदालत ने एक दिन के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया है। रविवार की दोपहर उन्हें बेंगशाल कोर्ट के न्यायाधीश नम्रता सिंह की अदालत में पेश किया गया था, जहां पर दोनों पक्षों की पैरवी सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपने फैसले को आरक्षित कर दिया और थोड़ी देर के बाद अर्पिता को एक दिन की ईडी हिरासत में और सोमवार को अर्पिता और मंत्री चटर्जी को ईडी के विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। কোর্ট সেটা মেনে নিয়ে একদিনের কাস্টডি দিয়েছে, কারণ এটা রিমান্ড কোর্ট। কালকে স্পেশাল কোর্টে প্রোডাকশন হবে সকালবেলা। মেডিকেল বলেছে এভরি 24 আওয়ার্স করার জন্য, যেহেতু মহিলা। সেকেন্ডলি, রাত্রে 9টা থেকে সকাল 6টা অবধি কোনো ইন্টারোগেশন করা যাবে না। মন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জী আর পার্টি কে বিচ লাগাতার দূরি বাড়তি যা রহি হ্যায়। সূত্রো কি মানে তো অভি তক পার্থ কে মামলে মে পার্টি ছুপ্ত হ্যায়। चौंकाने वाली बात तो यह है कि ईडी के अरेस्ट मेमो में सीएम ममता बनर्जी का नाम उठकर सामने आया है, जिसके बाद से राज्य की राजनीति में उबाल आ गया है और सूत्रों के अनुसार इसके पीछे भी पार्थ चटर्जी का हाथ है। शनिवार को गिरफ्तारी के बाद पार्थ चटर्जी को उनकी घनिष्ठ लोगों को फोन करने की अनुमति ईडी ने दी थी। आरोप है कि तभी पार्थ ने ईडी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम और फोन नंबर भी दिया था। इसी कारणवश ईडी के मेमो में सीएम का नाम आया है। हुगली में बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। घटना पांडवा थाना अंतर्गत हराल दासपुर इलाके की है। मृतक का नाम राजू पात्रा बताया गया है। स्थानीय लोगों ने शव को ले जाने से रोका। लोगों का आरोप है कि बिजली की नंगी तारें इस तरीके से ही रास्ते में गिरी रहती है, जिसके चपेट में आने से ही राजू की मौत हुई है। हुगली में इंडोर एक्स्ट्रो पिच का उद्घाटन। हुगली डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रांगण में कैब के अध्यक्ष अभिषेक डालमिया ने इंडोर एक्स्ट्रो पिच का उद्घाटन किया। सीएबी के बाद हुगली में 13 लाख की लागत से सिंथेटिक फाइबर पिच बनाई गई है। सालों भर अभ्यास किया जा सकता है। बरसात के मौसम में खुले मैदान में खेलना अब मुश्किल नहीं होगा। इंडोर कृत्रिम पिच बनाने से अभिषेक ने कहा कि इससे खिलाड़ियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही रिद्धिमान शाह को लेकर अभिषेक डालमिया ने कहा कि हमने बंगाल के खेलने के लिए अनुरोध किया था। रिद्धिमान ने एक बड़े क्रिकेटर है और कई लोग कहते कि शायद हमारे साथ उनके मतभेद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। খুবই প্রয়োজন ছিল, কারণ আমরা এখানে যে ইনডোর ফ্যাসিলিটি যখন হয়েছিল তখনও কিন্তু সিএবি উদ্যোগ নিয়ে করেছিল এবং সেটা যে প্রপারভাবে ইউটিলাইজ হয় সেটাও কিন্তু সিএবিরও যেরকম দায়িত্ব, পাশাপাশি কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশনগুলোরও দায়িত্ব। সেটা যে হুগলি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশন যে সত্যি ভালোভাবে করছে সেটারই একটা এক্সাম্পল। 13 লক্ষ টাকা তারা নিজেরা রেজ করেছে। সিএবি তো দিচ্ছেই, প্রতি বছর 5 লক্ষ টাকা করে দেয়, প্লাস 1 লক্ষ টাকা করে দেবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টে। अब लोकल में सफ़र करना नहीं होगा बोरिंग, क्योंकि रेलवे के कोच में लगेंगे एलईडी टीवी। सोमवार को हावड़ा स्टेशन में ऐसा पहली बार होगा कि लोकल ट्रेनों के कोच में एलईडी टीवी लगाए जा रहे हैं। ये ट्रेन इन्फोटेनमेंट के जरिए किया जाएगा, जहां पे 27 इंच की एलईडी प्रत्येक कोचों में लगाई जाएगी और यात्रियों के मनोरंजन के लिए उसमें सभी सामान होंगे। इसके साथ ही टीवी के जरिए रेलवे अपना ऐड भी देगा और रेलवे से रिलेटेड जितने भी उपदेश है वो भी वो टीवी के जरिए बताएगा। मुंबई के बाद हावड़ा में ये पहली बार होने जा रहा है। क्या है देश दुनिया का हाल, आइए जान लेते हैं। खुद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार सुनना द्रौपदी मुर्मू के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी, लेकिन उनका कहना है कि जब यह खुशी उन्हें फोन पर सुनाई गई तब उनके साथ कोई अपना उनके साथ नहीं था। अपना दुख बयां करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने साफ कहा है कि वह राजनीति में कभी आना नहीं चाहती थी। उनके पति हमेशा उन्हें टीचर बनकर ही देखना चाहते थे। मौसम। सोमवार को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस वही अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस होने के आसार है।
वहीं बारिश की भी संभावना जताई गई है। सभी विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए नमस्कार।